फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोग मेरे फेथ नेत्री को कि हमारा इच्छा होता है वॉलंटियर सर्विस में आने के लिए। एक्चुअली ये वॉलंटियर सर्विस हम लोग जो ऑर्गेनाइज करने किया है ये हम लोग वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड का तरफ से है। तो दिस इज़ आवर 8,053 टाइम्स हो रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड में जो हम लोग वॉलंटियर सर्विस करता है। ऐसा डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलंटियर सर्विस नॉट ओनली ग्रीन एनवायरमेंट, आपका जैसे कि ब्लड डोनेशन और ऐसा फंड रिलीफ ऐसा बहुत सारा होता है हम लोग का। तो आई थिंक दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, पहले बार भी हम लोग बहुत कर चुका था यहाँ में, लेकिन उसमें हम लोग इतना अच्छा से नहीं कर पाया, इसलिए इस बार हम लोग फिर से करने के लिए कोशिश किया है। तो हमारा ये करने का मकसद है कि क्लीन एनवायरनमेंट वर्सेस हैप्पीनेस इंडेक्स। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि हमारा जब एनवायरनमेंट क्लीन होता है तो हमारा हैप्पीनेस भी उतना ही बढ़ता है। तो इसलिए हम लोग ये छोटा सा एक एक्शन के द्वारा हम पब्लिक को ये बताना चाहता है कि हम लोग अगर खुद से साफ सुथरा से बैठेंगे, खुद से अगर हम लोग अच्छा से बैठेंगे तो ज़रूर हमारा एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं कि छोटा सा गंदा होने के लिए भी उसको उठाने के लिए हेसिटेट करता है। एक्चुअली हम लोग को हेसिटेट नहीं करना है, एक्चुअली सोचता है कि बहुत गंदा काम है, लेकिन अगर हम छोटा सा भी पेपर उठाता है तो वो एक्चुअली बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट में। तो वही हम लोग आज ये वॉलंटियर सर्विस को हमारा विद द हार्ट ऑफ मदर जो हमारा मकसद है एक माता का मन से, इसके द्वारा से हम लोग पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहता है क्लीनलीनेस के बारे में। तो जब हम मदर के बारे सोचते हैं ना, तो मदर ऐसा होता है कि जो खुद के बारे में नहीं सोचते है, अपना संतान के बारे में पहला सोचता है। तो हम भी खुद के बारे में नहीं सोच के अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीनलीनेस के बारे में ज़्यादा ध्यान देंगे तो हमारा हैप्पीनेस भी उतना हमारा हम आपस में शेयर कर सकता है। तो इतना ही है हम लोग का। श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ 71 डेथ एनिवर्सरी डे भी है। हम लोग इसी दिन में हम लोग सोशल सर्विस कुछ कर बगरा करना चाहिए। और वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड लोगों भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह आप लोग करते रहे, हम लोग हमेशा आप लोग का साथ है। बहुत जगह में करना नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ करना नहीं है, बहुत चर्च है, बहुत हम लोग का अपना अपना ट्रब का आदमी लोग है, वो सब हम लोग करना चाहिए अपना क्लीननेस। हमेशा अपना जब क्लीननेस रहेगा तो दिल दिमाग भी हम लोग का फ्रेश रहता है। जब तक मेरा बदन में हम नहीं नहा के गंदगी भुकेगा तो कभी खान पान में भी हम फ्रेश नहीं होते। तो अपना अड़ोस पड़ोस में भी, आपका आंगन में भी साफ हमेशा रहने से अच्छा ही रहेगा। और हम लोग का IMC में हमेशा क्लीननेस में हम लोग लगे रहता है। बहुत अच्छा लगा आज ये सोसाइटी को, और आप लोग आगे बढ़ते रहिए। जी मैम, जब हम IMC का बात करते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि कैपिटल में बहुत सारा गंदगी रहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि IMC का तरफ से इतना एफर्ट नहीं दिया जाता है, जबकि यहाँ पे स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है ईटानगर को। तो इसके ऊपर आपका क्या कमेंट्स रहेगा? क्योंकि IMC एफोर्ड कर नहीं पाता, मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है IMC भी करता है, क्योंकि उसमें गाड़ी का भी होता है, प्लस हम लोग का इंसान आदमी भी कोऑपरेट नहीं करता है। जब आदमी को कचरा, तो जब तक मैं सांस है तब कचरा तो होते रहेगा, कचरा हम लोग का जीवन साथी है, कचरा तो निकलते रहेगा, शाम का काया वाला सुबह का काया वाला शाम को होते रहेगा। वो सब हम लोग अपना से कचरा को अपना मन के हम लोग जब तक क्लीन नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा, तब तक तो निकलते रहेगा और चलते रहेगा, ये खत्म नहीं होगा, वो तो होते ही रहेगा। तो हमारा चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी क्लीनलीनेस के द्वारा हम लोग बहुत सारा अवार्ड भी पाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ना, US प्रेसिडेंट वॉलंटियर सर्विस अवार्ड हम लोग 3 बार कंटिन्यूसली पाए थे 2011, 14 और 15 में US प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। नॉट ओनली दैट, हम लोग इवन क्वींस एलिजाबेथ से भी वॉलंटियर सर्विस के तौर पर हम लोग अवार्ड पाया है। और डिफरेंट काइंड ऑफ हर बड़ा बड़ा नेशन से, जितना भी डेवलप कंट्री, उससे भी बहुत सारा हम लोग वॉलंटियर सर्विस के द्वारा रिकॉग्नाइज हुआ है। तो हम लोग इसलिए हमारा अगर हिस्ट्री देखेंगे, हम लोग इंडिया में भी कई सारा ऐसा वॉलंटियर सर्विस कर चुका है, आप देख सकते हैं ना ऐसा। जी
आज जितने लोग यहाँ पे आए हैं वो केवल चर्च ऑफ गॉड से ही है या फिर अलग डिनोमिनेशन से भी है? आज जितने भी आया है हम केवल चर्च ऑफ गॉड से है, लेकिन केवल दो तीन ऐसा मेंबर है जिसे हम इनवाइट किया है। अगर जो करना चाहते हैं आप लोग भी अभी साथ में कर सकते हैं।